अच्छा कुंवर साहब, हरक सिंह रावत के जाने से बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं? हरक सिंह रावत जी के जाने से किसी को नुकसान नहीं होता, उनके किसी विधानसभा में जब वो बैठ जाते हैं वहां नुकसान होता है। आप बात को समझे कुंवर साहब, यानी आपको नुकसान नहीं हुआ, कोटद्वार की जनता को नुकसान हुआ, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब मेरा दूसरा सवाल, आप हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी थे कि नहीं? हरक सिंह रावत जी पर समय समय पे भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे और अभी भी कुछ जांचें लंबित हैं और निश्चित तौर पर काफी चीजें निकल के आई, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन संगठन और सरकार की तरफ से उन्हें बार बार चेताने का प्रयत्न किया गया। उनकी कार्यप्रणाली भ्रष्टाचारी है कि नहीं? हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी है कि नहीं? ये 14 फरवरी के बाद सरकार को आ जाने दीजिए, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि अभी उसमें कई चीजों में जांच चल रही है, तो निश्चित तौर पर कई चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमारे मुख से बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो सारी चीजों का जो अर्क है ना वो निकल के आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, मतलब वो भ्रष्टाचारी। हरक सिंह रावत ने जो है, हरक सिंह रावत को आपने धोखा दिया या हरक सिंह रावत ने आपको धोखा दिया? मतलब बीजेपी ने हरक सिंह रावत को धोखा दिया या फिर हरक सिंह रावत को बीजेपी ने धोखा दिया? हरक सिंह रावत जी ने अपने आप को धोखा दिया, हरक सिंह रावत जी ने अपनी मातृभूमि को धोखा दिया, हरक सिंह रावत जी ने उत्तराखंड वासियों की जनभाव को धोखा दिया। कुंवर साहब, अगर किसी ने वीडियो निकाल के हरक सिंह रावत को भेज दिया तो, जो आपने हरक सिंह रावत के बारे में कहा, आप ही भेज दीजिए, हमने कौन सा क्या कुछ गलत कहा, आप ही भेज दीजिए। और आपको क्या लगता है कि ये सूचनाएं उन तक पहुंच नहीं रही होंगी? एक बार मौका दिया, एक बार सुधरने का मौका दिया, नहीं सुधरे तो ठीक है, दोबारा भारतीय जनता पार्टी के मंच पे ऐसा मौका नहीं मिल सकता, जीवन में कभी नहीं मिल सकता। सुधरने का मौका दिया, कुंवर भाई सुधरने का मौका दिया आपने हरक सिंह रावत, चुनाव हरा देंगे उनको आप? जी चुनाव हरा देंगे उनको? उत्तराखंड की जनता उन्हें चुनाव हराने के लिए तैयार बैठी, वो जिस भी विधानसभा में जाएंगे आप देखिए तो सही, आज उन्होंने अपनी स्थिति क्या बना ली। हरक सिंह रावत ने जो जनता के साथ धोखा किया कोटद्वार में, उसके लिए बीजेपी माफी मांगेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें बर्खास्त कर दिया और सरकार ने कई बार उन्हें चेताया, उन्हें बताया और उन्हें ये भी जताने का प्रयास करा कि इस तरह से कहीं ना कहीं आप प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये बर्खास्तगी की कार्रवाई अचानक नहीं हुई है कि 2 दिन में ये निर्णय ले लिया गया हो। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं, मेरा चिंता का विषय ये है कि ये दल बदल का जो कलंक लगा हुआ है ना उत्तराखंड, वो दाग नहीं धुल पा रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? आज आप रो देते हैं, ये पश्चाताप के आंसू नहीं है, ये 4.5 साल जो कोटद्वार की जनता रही है उसका हिसाब कौन देगा फिर? और ये दल बदल का खेल कब तक चलेगा? कुंवर साहब, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पे इसके जिम्मेवार हम ही लोग हैं, हम लोग मतलब जो हम सियासतदान हैं, तो निश्चित तौर पर ये तो अब जनता को जागरूक होना चाहिए और इस तरह के जो लोग परफॉर्मेंस में भी पीछे हैं और फिर राजनीति में बने हुए हैं, फिर अपने धन बल या अन्य हथकंडों से दोबारा फिर विधानसभा में पहुंचने के रास्ते तलाशते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा। यही हरक सिंह रावत नौ लेकर आए थे तब ठीक थे आपके लिए, तो आप ये बताइए ना कि उन नौ विधायकों में से अधिकतर विधायक जो है राष्ट्रीयता के सांचे में फिट हो गए ना?